ये है नॉर्मल मंच और ये है जायंट मंच। अर्ज क्या है? नहीं, मैं अर्ज नहीं करूंगी, आज अर्ज करेंगे ये। तो ये अर्ज करते हुए कहते हैं लड़की बना दे जल्दी से जायंट मंच, बना दे जल्दी से जायंट मंच, वरना मार दूंगा तुझे। भाई ठीक है, बना रही हूँ, बना रही हूँ। तो स्टेप नंबर वन, हमें चाहिए एक जायंट रेक्टेंगुलर मोल्ड जिसमें हम अपने ना क्या आपका बच्चा तुतलाता है? जिसमें हम अपना जायंट मंच बनाएंगे, उसकी तुतलापन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो कार पेंट करता है, कारपेंटर की जरूरत। छोटी बच्ची हो क्या? ये जो मैंने सूरजमुखी अपने चेहरे पे चमकाया है, तो कमेंट्स में जाओ और लिख दो कि दीदी आप लग रही हो बिल्कुल फूल। अब जो हेटर है वो मुझे फूल बोल रहे हैं और जो मुझे प्यार करते हैं वो मुझे फूल बोल रहे हैं। गधा लग रहा हूँ। कितनी बार तुझसे कहा है कि जब भी वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती तो कपड़े डाल लिया कर, लेकिन नहीं, नंगे आ जाना कैमरे के सामने। गाइस कमेंट करके बताओ मैं किस में छुपी हूँ, ए या बी? ए या बी? और सही आंसर है ए। ये मैंने ना आपके लिए जाल बिछाया हुआ था नीचे ताकि आपको लगे कि मैं उसमें छुपी हूँ। चीटिंग करता है तू। ये रहा मेरे जायंट मंच का जायंट साचा, भाई साहब बिल्कुल मेरे बराबर ही है, देखो थोड़ा सा छोटा है। तो ये जायंट मंच बनाने के लिए हमें सिर्फ दो चीज चाहिए, पहला बहुत सारी चॉकलेट और दूसरा हमें चाहिए बहुत सारे वेफर्स। गाइस सुनो सुनो, गाइस अगर आपने इसे कैच कर लिया तो आपको इस वीडियो को तुरंत लाइक करना होगा। 1 2 3 लाइक करो, लाइक करो, कैच हो गया यार, कैच हो गया, चीटिंग नहीं, लाइक क्या क्या क्या। चन्नी की सॉरी सॉरी। सबसे पहले मुझे चाहिए वेफर्स नंगे नंगे, ऐसे हम नंगा करेंगे एंड आप देखेंगे टाइम लैप्स। बूम। यहाँ पे हमारे सारे नॉर्मल वेफर्स हैं, यहाँ पे हमारे सारे चॉकलेट वेफर्स हैं। यार गेस करके बताना यहाँ पे कितने सारे वेफर्स हैं। स्टार्ट करो। तो अभी हम अपने बटर पेपर को लेंगे एंड इसके साचे में डाल देंगे कुछ ऐसे। चॉकलेट मेल्ट होने में बहुत टाइम लगने वाला है, तब तक हम अपना मंच का रैपर बना लेते हैं। तो यार हमारा चॉकलेट मेल्ट हो गया है, ओह माय गॉड, इतना चॉकलेटी, इतना क्रीमी, वाह यार। तो चलो यार अपने मेल्टेड चॉकलेट को जल्दी से अपने जायंट मोल्ड में डालते हैं। तो गाइस अगर आप देखो ना तो मंच में पहले भी चॉकलेट की लेयर होती है, फिर वेफर होता है, फिर चॉकलेट होती है, फिर वेफर होता है। तो ये ना मेरी चॉकलेट की अभी फर्स्ट लेयर लग रही है, ऐसा लग रहा है ना मैं चॉकलेट का डोसा बना रही हूँ, तो यम्मी लग रहा है। ला 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 ला। फिर मुझे वेफर्स की लेयर लगानी थी, लेकिन यहाँ पे मेरा पोपट हो गया क्योंकि मैंने जैसे ही वो वेफर चॉकलेट के ऊपर रखी वो उसके अंदर धंसते जा रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि इसे एसी वाले रूम में ट्रांसफर करना होगा कि ये थोड़ा सा सेट हो जाए, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर वेफर लगाएंगे। अपने वेफर्स की लेयर्स। फिर मैंने जल्दी जल्दी से वेफर्स की लेयर, नहीं जल्दी जल्दी से नहीं, ये टाइम लैप्स आने से आपको जल्दी जल्दी दिख रहा है। और गाइस ये आपको दूर से देखने में ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं आइसक्रीम स्टिक की लेयर लगा रही हूँ। सही पकड़े हैं। तो एक लेयर हमारी चॉकलेट की हो गई, एक लेयर हमारी वेफर की हो गई एंड अब फिर से एक लेयर जाएगी हमारी चॉकलेट की। देख के मुंह पानी आ रहा है। फिर से चॉकलेट की लेयर लग चुकी है गाइस, अब इसे हमें फिर से फ्रीज करना है। हमारा सेकंड चॉकलेट लेयर भी फ्रीज हो चुका है एंड अब इस पर हम लोग लगाने वाले हैं चॉकलेट वेफर्स। चॉकलेट वेफर लेयर डन। उसके बाद इस पे गया चॉकलेट का फोर्थ लेयर और चॉकलेट लेयर लगाने के बाद का तो आपको पता ही है एसी वाला रूम।
के बाद जैसा मंच पे प्रिंट रहता है ना वैसा ये बिल्कुल दिख रहा था। उसके बाद फिर से मैंने वेफर्स की एक लेयर लगा दी। लेयर लगाने से पहले मैं यहाँ पे कुछ लिख रही थी आपके लिए एंड उसके बाद मैंने फिर से वेफर्स की लेयर लगा दी। उसके बाद वेफर्स के ऊपर मैंने चॉकलेट्स की लेयर लगा दी एंड चॉकलेट्स के बाद हम क्या करते हैं, जी हाँ, यार देखो अब जायंट मंच बनाना है तो सेम प्रोसेस बार बार रिपीट तो करनी ही पड़ेगी वरना हमारी मंच बड़ी छोटी सी और पतली सी बनेगी। जब जायंट बनाने का ठान लिया ये तो अच्छे से बनाता है तो चॉकलेट खत्म हो गया तो मैंने फिर से चॉकलेट मेल्ट किया। गाइस इस पतीले की हालत देखो, मतलब ये चॉकलेट भी इतना लबालोर हो गया है, इसे मेल्ट करने में इतना टाइम लग रहा है भाई। एंड फाइनली ये थी हमारी चॉकलेट की लास्ट लेयर और इस वाले लेयर में ना भर भर के चॉकलेट गया था। मतलब आप देख सकते हो कितना ज्यादा चॉकलेट लग रहा था क्योंकि यार ये वो कवर ही नहीं हो रहा था। हमें लगा था अब हो जाएगा लेकिन जितना चॉकलेट डालो वो और मांग रहा था कि दे दे मुझे। तो यार फाइनली हमने चॉकलेट सारा डाल दिया एंड फिर से ये एसी में गया। उसके बाद हम लोग कुछ घंटों बाद इसे एसी से वापस लेके आए। ये है नॉर्मल मंच और ये है जायंट मंच। चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह। यार ये इतना बड़ा बना है कि मैं इसके ऊपर सो भी सकती हूँ आराम से। वाओ तो चलो अब इसे खोलते हैं। तो चॉकलेट ही चॉकलेट भर रहा है, ये देखो आपको दिख रहा है उधर से। वाओ यार अरे कितना मस्त लग रहा है। ओ माय गॉड यार अब सोचो हम जब निकालते हैं अपना चॉकलेट ना वो इतनी सा निकलता है एंड अभी मैंने सिर्फ आधे का आधा हिस्सा निकाला तब भी कितना बड़ा है। यार ये इतना रियलिस्टिक बना है ना कि ऐसा लग रहा है किसी ने डोरेमोन की बिग लाइट से इसे बस बिग कर दिया है। हमारा छोटकू वाला मंच ना सिर्फ 5 इंच का होगा और हमारा जायंट मंच 5 फीट का है। वाओ देख रहे हो टोटली यूट्यूबर इज बैक गाइस। और हमारा जायंट यूट्यूबर गाइस कौन कौन चाहता है मैं जायंट बन जाऊं, नहीं हो पाएगा। वो बचपन में ही होना था जो होना था। नहीं भाई उठ जा भाई, ये उठ ना उठे, इसको उठा के खाते मैं उठ जाऊंगी। उठाते नहीं है इसे, हम खाते। भाई यार कसम से यार बहुत मतलब परफेक्ट। मेरे छोटे से दांत ने ना इस बड़े से मंच का सिर्फ इतना खाई, मेरे दांत ऐसे दिखते हैं। चॉकलेट बनाया और अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसे बीच से तोड़ने वाली हूँ क्योंकि एक ना एक दिन तो इसे टूटना ही था। ओ माय गॉड, ये जो हमने इतनी मेहनत की थी ना बिल्कुल मंच की तरह ये बना हुआ है एक एक लेयर बाय लेयर। अर्जुन जाने की जरूरत नहीं है, मैंने चॉकलेट उठा दी हूँ घर पे। जी अरे बाहुबली हेलो हैप्पी चॉकलेट डे, ऐसे मनाते हैं चॉकलेट डे। यार तो जल्दी से आप कमेंट करके बताओ आप मेरे इस जायंट मंच को कितने रेटिंग्स देना चाहते हो और जो जो मुझे 10 out of 10 रेटिंग्स देना चाहता है ना वो इस वीडियो को लाइक कर दो तो मुझे समझ में आ जाएगा। फिर मम्मी ने मेरे इस जायंट मंच को कट दिया क्योंकि मेरे से तो कट ही नहीं रहा था। और गाइस इतना ज्यादा मंच था और इतना यमी था, सच में बहुत ज्यादा यमी बना था। सारे बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया, इतना चॉकलेट था कि पापा ने अपने ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूट किया, मम्मी ने अपने फ्रेंड्स वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट किया, सबको बहुत पसंद आ रहा था। तो आई होप गाइस आपको ये चॉकलेटी वीडियो पसंद आई हो, अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय गाइस।